इस प्रयोग को भी करें। इंजेक्शन की खाली साफ शीशी में 10 ml गर्म दूध डालकर उसका ढक्कन लगा दें। इंजेक्शन सिरिंज में 2 ml नींबू का रस लें। इसे दिए गए चित्र के अनुसार इंजेक्शन की शीशी के ढक्कन में व्यवस्थित कर पूरे उपकरण का वजन नोट करें। ध्यान रहे कि व्यवस्था इस प्रकार की हो कि दूध तथा नींबू का रस आपस में न मिलें। अब सिरिंज में रखे नींबू के रस को धीरे धीरे पिस्टन द्वारा शीशी में डालें। शीशी में रखे दूध में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करें। क्या आप सोचते हैं कि यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? अब पूरे उपकरण का वजन पुनः ज्ञात कर नोट करें। क्या प्रयोग के पहले तथा बाद में उपकरण के वजन में कोई परिवर्तन हुआ? इस प्रयोग में सही निष्कर्ष तभी प्राप्त होगा जब मापन हेतु लिए गए उपकरण द्वारा शुद्धतापूर्वक मापन किया जा सके। इस समझ को एक नियम के रूप में व्यक्त किया गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम को लवाइजिए ने प्रतिपादित किया था।